बस्तर दशहरा का इतिहास। बस्तर दशहरा की शुरुआत 17वीं सदी में हुई, क्या आप जानते हैं कैसे? बस्तर दशहरा एक लोकप्रिय उत्सव है। 75 दिनों तक चलने वाले आस्था के इस पर्व का प्रमुख आकर्षण है माता दंतेश्वरी का भव्य रथ। कहते हैं कि बस्तर के राजा पुरुषोत्तम देव भगवान जगन्नाथ के बहुत बड़े भक्त थे। उन्होंने एक बार श्री जगन्नाथपुरी तक पदयात्रा की और मंदिर में अनेक स्वर्ण आभूषण व बहुमूल्य उपहार भगवान को अर्पित किए। उसी रात पुजारी के स्वप्न में श्री जगन्नाथ जी आए। उन्होंने राजा पुरुषोत्तम देव को रथपति घोषित करने और उन्हें पुरी की प्रसिद्ध रथ उत्सव की परंपरा के अनुसार एक रथ देने का आदेश पुजारी को दिया। भगवान के आदेशानुसार पुजारी ने उन्हें 16 पहियों वाला एक भव्य रथ भेंट किया। राजा पुरुषोत्तम ने उसके 4 पहिए श्री जगन्नाथ को अर्पित किए और 12 पहिए के रथ के साथ बस्तर वापस लौट आए, जिसके बाद उसी रथ से 8 पहिए और 4 पहिए के 2 अलग अलग रथ का निर्माण किया गया और तभी से ही बस्तर दशहरा की शुरुआत हुई। और इस प्रथा को स्थापित करने में राजा दलपत देव का महत्वपूर्ण योगदान है।